साथियों, आज का दिन एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। पहली जून 2022, आज तकरीबन 12-14 वर्षों से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने सदन से लेकर सड़क तक जिसकी वकालत की, पैरोकारी की, आज वो सफलीभूत हुआ है। थोड़ा टाइमलाइन देखिए, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब केंद्र की सरकार ढुलमुल रवैया अपना रही थी, उन्होंने सीधे तौर पे संकेत दिया कि अगर जातिगत जनगणना की मांग नहीं मानी गई तो मुरहो से लेके के पार्लियामेंट तक, दिल्ली तक पद यात्रा करेंगे। इसका एक जन उभार बना, जन दबाव बना, फिर मुख्यमंत्री जी ने इस पर बातचीत की, पहल की, और आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्रधानमंत्री से मिलने के बाद भी, जब पूरा विधानमंडल मिला तो उसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जब नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि वो आंदोलन शुरू होगा, पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है ये कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीज़ों को अडॉप्ट किया और कहा कि इस पर कार्रवाई कल से ही शुरू होगी और इसके अतिरिक्त एक एक चीज, इसकी मोडालिटी क्या होगी, रूपरेखा क्या होगी, कैसे किया जाएगा, कोई ना छूटे, इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, उसको सर्वसम्मति से आज की मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कैबिनेट में फौरी तौर पर संभवतः 24 घंटे के अंदर फैसला लेंगे। बाकी के लिए मैं अपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी से आग्रह करता हूं कि आपको ब्रीफ कर दें। तेजस्वी जी, जिस तरह से एक मिनट पहले ब्रीफ कर लेने दीजिए, पहले ब्रीफ कर, अब सारी बातें सामने आ ही गई हैं और लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाएं और जातीय जो गन्ना है आपका सर्वे ये हो रहा है, तो ये हम लोगों की जीत है और सारी चीज़ें। एक चीज़ और है महत्वपूर्ण था कि भाई खर्चा जो होगा ये बहुत ही महंगा होगा, इसका खर्च बहुत लगेगा। देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है, गरीब राज्य है, और ये तो पूरे देश में हो जाता अगर बीजेपी केवल एक कॉलम जोड़ देती तो। जितना खर्चा में सेंसेस हो रहा है देश का, जो एप्लीकेशन द्वारा हो रहा है, तो उतना किसी राज्य पे ये अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। अगर एक कॉलम ही माना था, बिहार में मान गई तो देश में मानने में क्या जरूरत, क्या कौन सी बुराई थी भाई, हर स्टेट अपना अपना करा ही रहा है। तो ऐसे जो कमज़ोर आर्थिक रूप से, जो हमारी जो कमज़ोर स्टेट है, जो गरीब राज्य है, जो पिछड़ा राज्य है, तो हमने ये कहा कि भाई 40 में से 39 तो NDA के MP हैं, 40 में से 39 जब NDA के MP हैं, यहाँ भाजपा 4 ही है, हम लोगों की संख्या राज्यसभा में है और एक कांग्रेस के लोकसभा में है, तो हम लोग जो है इस बात को पार्लियामेंट में उठाएं और ये भी मांग करें था कि भाई जो खर्चा जो होगा वो भारत सरकार वह करे। भाई आप स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, और यहाँ डबल इंजन की सरकार है, आपको 40 में से 39 MP जिताया है, तो राज्य सरकार तो इसकी शुरुआत कर रही है, वह करेगी ही करेगी, लेकिन मदद करने के लिए भारत सरकार को इसमें आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहिए। और ये बात से तो सब सहमत है कि ये जो भी बेस सर्वे हो रहा है, कास्ट बेस सर्वे हो रहा है, ये पूरे देश में होता तो ये देश हित में है, लेकिन ये बिहार हित में है। तो इससे और कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों का सवाल है तो हम जो है, गिरिराज सिंह ने कटिहार में एक बयान दिया है, साथ में बीजेपी ने क्या किया, सर्वसम्मति साथ, नहीं जब हाउस से ही दो बार पारित हो गया तो क्या कहेंगे अब उनके विषय में। आज तो उन्होंने जो है सर्वसम्मति से ही पास हुआ, तो आज तो हमको कोई दिक्कत लगी नहीं, और दिक्कत किसी को लग ही नहीं सकता है। ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है ये बिहार के लोगों के लिए है, ये हित के लिए है, और देश में होता तो नेशनल इंटरेस्ट में था, तो इसका विरोध करने का तो कोई मतलब ही नहीं पैदा होता है। जातिगत जनगणना के बाद बिहार की नई तस्वीर दिखेगी यति शीघ्र, हमको जहां तक लगता है, और हमने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि जो भी अगला
कैबिनेट हो उसमें आप ले आइए। पूरे देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे जाति जनगणना पर, बिहार में तो जीत होगा। काउंट तो वो प्रक्रिया, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह भी देना है, इसका फॉर्म वॉर्म क्या होगा, क्योंकि सभी चीजों की ध्यान। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।